चलिए चैप्टर नंबर टू संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। चैप्टर का क्या नाम है? पहले चैप्टर पर ध्यान देना है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, फार्मूला लिखा होगा, देखो पहले पेज पे बहुत ज्यादा फार्मूलों का यूज किया गया है। इसमें अपने को जितने काम का होगा उतना अपन याद करेंगे। ठीक है, अभी आपको दो फार्मूलों का ज्यादा काम है। सर देखो फार्मूला कौन सा है, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये देखो यहाँ पर माइनस लगा, तो बचपन के फार्मूले हैं भैया, ये सब नहीं आता वाला बात नहीं है। ठीक है, अब लेकिन देखिए इसी को और लिख सकते हैं, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक और फार्मूला है, a माइनस बी स्क्वायर का एक और फार्मूला है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, सब पुस्तक में है, पहले ही पेज में बुक में क्वेश्चन सारा फार्मूला लिखा होगा। ठीक है, अब एक और याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, अब देखो अलग अलग है, माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस, इतना फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अभी पहले फेस में इतने में काम हो जाएगा अभी। ओके चलिए, टाइप नंबर वन, दो संख्याओं का योग 70 और अंतर 30, संख्याएं क्या होगी? देखिए मान लो एक संख्या x है एक संख्या y है, ये देख दो संख्या बोल रहा है, एक संख्या x और एक संख्या y, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, मतलब ये बोलता है x प्लस y बराबर 70। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, एक संख्या ये एक संख्या ये, योग मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, a प्लस बी बराबर 70 और अंतर कितना बोलता है 30, इसी का अंतर मतलब x माइनस y बराबर 30, दो संख्याओं का योग 70 है, दो संख्याओं में अंतर कितना है 30 है, संख्याएं क्या होगी, x और y का मान निकालना है आपको, बचपन से पढ़ते जा रहे हो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को जोड़ोगे तो ये x और ये x दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 2x, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100, 2x बराबर जब 100 है तो x बराबर क्या आएगा कट के आ जाएगा 50, x बराबर क्या आ जाएगा 50, x का मान यहाँ रखिए समीकरण एक में, ये हो जाएगा समीकरण एक में जब मैं रखूँगा 50 प्लस y बराबर 70, ये इस पर जाके माइनस हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 70 माइनस 50 और y का मान आ जाएगा 20, y का मान क्या जाएगा 20, y का मान क्या जाएगा 20, y का मान क्या जाएगा 20, ये एक तरीका जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब बोला है इनका मान क्या होगा, तो ये देखो डी में क्या लिखा है 50 और 20, 50 और 20। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा वो क्वेश्चन कहाँ पर बनाएंगे आप घर में, जितने क्वेश्चनों को बताते जाऊंगा वो कहाँ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये तो तरीका तुम्हारा बचपन का था, अब ये बचपन के तरीकों को भूल जाओ, आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। ठीक
लेकिन कभी नहीं बना तो ये तरीका याद रखना, अब बनेगा नहीं, जो बता रहा हूँ वही तरीका सबसे बेस्ट और कारगर है। जब भी आपको आज के बाद, इससे पहले तक कोई बात नहीं, आज के बाद अगर आपको x प्लस वाई का मान दिया है, अभी दिया है 70, और आपको x माइनस वाई का मान दिया है, अभी दिया है 30, दिया है, ये दोनों दिया हो और x निकालना हो, क्या निकालना हो, x निकालना हो, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है x प्लस वाई बटे दो। और जब y का मान निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है x माइनस वाई, सॉरी माइनस, यहाँ डायरेक्ट दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दो, दोनों को घटा के दो से भाग दीजिए, ये सॉरी 70 प्लस 30 बटे दो। और ये निकालना है तो 70 माइनस 30 बटे दो, ये दोनों हो जाएगा 100 बटे दो, मतलब 50। x का मान कितना आ गया, ये क्या हो जाएगा, 70 माइनस 30 40 बटे दो, ये आ जाएगा 20। ये डायरेक्ट आंसर एक लाइन पे, जब आपको x प्लस वाई का मान दिया हो क्वेश्चन में और x माइनस वाई का मान दिया हो, तो डायरेक्ट x निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, y निकालने के लिए दोनों को घटा के दो से भाग दे दीजिए, क्या निकल आएगा, x और y। जिनका पढ़ाई करते करते समय हो गया है 8 महीना साल, तो जिन बच्चों को सारा सिलेबस आपको पता है वही सिलेबस है, लेकिन ये याद रखना है बेटा निरंतरता, बस एक ही चीज़ याद रखना, निरंतरता, कंटिन्यूस बने रहना, समझ में आया, हमेशा एक ही चीज़ याद, निरंतरता ही आपकी सफलता है। किसी दिन एक दिन पढ़ना 10 घंटा उससे लाख गुना अच्छा है रोज 3 घंटा पढ़ना, 1 घंटा 10 घंटा, एक दिन बस आप पढ़ सकते हो लगातार 10 घंटा या 10 घंटा, रोज आप उसको निरंतर नहीं रख सकते, लेकिन जो 3 घंटा निरंतर है उसको रख सकते हो। आई 3 घंटे की क्लास लगाइए, 3-4 घंटा एकदम घर में रेगुलर रोज पढ़िए, 7 घंटा इनफ है पोस्ट पाने के लिए, लेकिन वो निरंतरता नहीं बना पाते हो आप, दिक्कत ये है, ठीक है। आज पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3रे दिन से चीज़ें बंद हो जाती है आपकी, त्यौहार है तो फलाना है जाना है, तेरे को पता है त्यौहार है दिवाली है फटाका फोड़ना ही है, लेकिन ये बात तो तेरे को रात से पता है ना, कल दिवाली है कल मेरे काम है, लेकिन अपने लिए 3 घंटा किस समय पढ़ना है, या वो 4 दिवाली हो किसी का मरनी में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी दुनिया में कुछ हो रहा है, वो 4 घंटा अपना पढ़ाई करना ही है, उसके बाद क्यों सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आपको क्या है, फालतू चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, चल मोर बर्थडे आज जाबो, खत्म कहानी, कितना एक्साइटेड हो 2 दिन पहले से उसके बर्थडे की तैयारी में बैठे हो, उस दर 2 दिन गया जिस दिन गया उस दिन गया, 3 दिन बर्बाद, और का खाए जाके कुछ नहीं खाए, ऐसी देता पार्टी बुला लेता भर है, आखिरी में गाली देना ही है, चाहे वो कुछ भी बेचारा खवाए पियाए। चले बना लोगे, चलो सेम कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, बाकी लोग क्वेश्चन लिखिए जिनके पास पुस्तक नहीं है। 2 संख्याओं का योग 25, एडिशन ऑफ 2 नंबर आर 25, और उसका अंतर 13 है एंड डिफरेंस बिटवीन 13, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, फाइंड देयर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, इसका क्या निकालना है आपको, मल्टीप्लीकेशन, जो x और y का मान आएगा उसका गुना कर दो निकाल के, एक मान आएगा x का एक मान आएगा y का, ये देखो x का एक मान आएगा y का एक मान आएगा, जो भी आएगा इन दोनों को गुणा कर दो तो आपको निकाल आ जाएगा इनका गुणनफल। x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे x और y का वैल्यू आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ गया मेरे को ये बता दो अब, 114, ठीक है 114।
एक्स का मान कितना आ गया 19, वाई का मान कितना आ गया 6, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 छक्के 114, ठीक है। अरे ठीक है रे, अब थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन टफ होते जाएंगे ना। हाँ चलिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं के वर्गों का योग कितना है। तो मान लीजिए पहली धनात्मक संख्या x, दूसरी धनात्मक संख्या y, और इनके वर्गों का योग बोल रहा है, तो ये वर्ग इनका योग कितना है, क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के स्क्वायर्स का सम कितना है 100, और उनके वर्गों का अंतर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर 28, और इनके वर्गों का अंतर ये स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 28, ये दिया हुआ है, ध्यान देना। जब ये x प्लस वाई था और ये x माइनस वाई था, तो x कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के दो से भाग देते थे, तो अभी भी वैसे ही करोगे तो क्या निकलेगा, x स्क्वायर बराबर 100 प्लस 28 बटे 2, वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 28 बटे 2, कितना आया ऊपर जोड़ने पर, 128 को भाग देंगे 2 से 128 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 64, और ये वाला कितना आ गया 72 डिवाइडेड बाय 2, क्या जाएगा 36। ये किसका स्क्वायर होता है, देखिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 64 है, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास 60, एक्स का मान क्या होगा 8 का वर्ग है 64, ठीक है ना। वैसे इधर देखिए वाई स्क्वायर बराबर 36, वाई का मान यहाँ से क्या जाएगा 6 छक्के, तो एक्स का मान 8 आया, वाई का मान 6 आया, इन संख्याओं का योग क्या होगा बोल रहा है, योग मतलब x प्लस y, x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है 6, इसलिए आंसर आ जाएगा 14, 14 x प्लस y कितना आ जाएगा 14। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, दोनों को जोड़ते ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कट जाता, बात समझ में आई नहीं, बस क्या समझ में आ रहा है उस टाइप का बनाने का कोशिश करिए, जितना समझ में आ रहा जैसा समझ में आ रहा बनाओ। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग 289 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर 120 एंड देयर सम ऑफ स्क्वायर आर 289, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस नंबर्स, एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। देखो क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अभी अपने को पता नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं, ये संख्या है, एक है x और एक है y, इनका गुणनफल x इंटू वाई, इनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर 120। दूसरा दिया इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब ये देखो इसके वर्गों का, ये वर्ग इसके वर्गों का योग कितना दिया 280, इन संख्याओं का योग क्या होगा, आपको क्या पूछा है, x प्लस वाई बराबर ज्ञात करिए, यही क्वेश्चन पूछा है, ये चीजें दी हुई है बनाइए आप, कितना बनाते जाओ बाकी लोग, हमको क्या निकालना है बेटा x प्लस वाई, अपने को क्या निकालना है x प्लस वाई, और आपको एक फार्मूला पता है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, और ये एक्स वाई का मान कितना दिया है 120। रख दीजिए, रखिए, एक्स प्लस, देखो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म के जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है 289 प्लस ये टू का टू, एक्स वाई के जगह मैं क्या लिख सकता हूं 100। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 289 प्लस 120 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 200। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 500, 529। ध्यान से देखो अब, इस किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, और आपको पूछा एक्स प्लस वाई का मान, इधर देखो बेटा एक्स प्लस वाई का मान किसी ना किसी का ये वर्ग होता है, और आखिरी में क्या है, इधर देखो किसका वर्ग 9 आएगा लास्ट में, 7 इसका आ सकता है और इसका आ सकता है, इन दोनों का आ सकता है, ठीक है। ये होता किसका है, ये देखो 20 का, अगर 20 का तो होता 400, ये 400 से तो कम ही, ये देखो 17 का तो कम ही होगा, तो सीधा दिख रहा है किसका होगा, ये किसका होगा 23 का, दो बार मल्टीप्लाई करके देख लो 23 गुना 23। अगले वीक से छत्तीसगढ़ का क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ हिस्ट्री होगा वो भी होगा, और हिस्ट्री नहीं होगा तो ये चलते रहेगा, साथ में छत्तीसगढ़ भी चालू हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक तो बुक ले लेना, ठीक है, देना ही है इंग्लिश वालों को, हिंदी वाले नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन रेफरेंस के लिए एक बुक रखना जरूरी है भाई, पता तो चलना चाहिए टॉपिक क्या पढ़ना है, तो रेफरेंस में एक बुक रखना जरूरी, ठीक। हाँ दुनिया का कोई भी पुस्तक चाहिए रहेगा 25% डिस्काउंट में, मेरे को बता देना मैं मंगा दूंगा, यहाँ मार्केट में जाओगे तो कोई 25% नहीं छोड़ने वाला, भिलाई तीन आसपास क्षेत्रों में तो नहीं छोड़ेगा 25%, हमको 35-40% मिलता है, लेकिन वो पार्सल होके आके 100 रुपये पार्सल से ही पैसा बढ़ जाता है, पार्सल का ही पैसा लग जाता है। चलें इधर हो गया, इसका बन गया, ये बनाइए दो अंक की संख्याओं का योग 32। देखो बेटा क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के अंकों का योग 32 और उनका गुणनफल, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, बनाइए। दो संख्याओं का योग 32 मतलब x प्लस वाई बराबर 32, इनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर 252, इन संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई निकालना है, तो आप क्या करिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल दो, x माइनस होल वाई का होल स्क्वायर बराबर,
क्या फार्मूला लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, सोच समझ के लगाना। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, एक्स माइनस वाई निकालना है, एक्स माइनस वाई अपने को निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दीजिए। फार्मूला इसका दो तीन ठो है, लेकिन अगर आप देख ध्यान से देखो मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगाते हो, माइनस टू ए बी, ये फार्मूला लगाते हो, तो एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये फिर स्क्वायर का तो अपने को नहीं मालूम, अपने को क्या मान पता है, एक्स धन वाई बराबर कितना है, 32। तो अपने पास एक और फार्मूला है कि नहीं है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का, क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। अब ये देखिए, एक्स वाई का मान यहाँ रख दो, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 32, ये हो गया 32 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान 252 मल्टीप्लाई 252, बत्तीस का वर्ग कितना होता है, 1000, ये याद रखना बार बार काम आता है, 1024 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20 का शून्य, 80 लाया 2, 4 × 2 = 8 = 10, 1008। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना माइनस हुआ, 16। ये देखो इधर देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या जाएगा, 4। एक्स माइनस वाई बराबर क्या जाएगा, 4। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाना है और क्यों लगाना है, थोड़ा सोच समझ के लगाए। यहाँ पर अपन ये लगा देते तो इस पे फिर कैसे करते, 32 के लिए फिर इसको लाना पड़ता, इसको लाने के लिए ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाना पड़ता, तो उतना नहीं करके डायरेक्ट अपने पास तो फार्मूला है। ओके, 60 को दो ऐसी भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग 3/40 है। ये भाग क्या क्या होंगे, ध्यान से सुनो, 60 को दो भाग में बांटना है, दो भागों में बांटे, मान लीजिए, बता रहा हूं, मान लीजिए कोई सा भी एक, 50-10 को ले लेता हूं, मान लो, बोल रहा हूं मैं, मान लो एक 50 और एक 10 है, इनके व्युत्क्रम का योग, इनवर्स, इसका इनवर्स और इसका इनवर्स का योग, इसका इनवर्स होगा 1/50 प्लस इसका इनवर्स होगा 1/10, 1/50 और 1/10, इसका योग कितना होना चाहिए बोलता है, 3/ संख्या क्या होगी, तो ये भाग होगा बोल रहा है। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये अपने को लाना है, इसको जोड़ के देखो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 50, ऊपर कितना आएगा, 1, इधर कितना आएगा, 5, ये हो जाएगा 6/50, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/25। LHS इक्वल टू RHS आया क्या, नहीं, तुरंत चेंज करें ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या रखे, 40 और इधर देखो, 40 और 20, यहाँ पर रखे 40, यहाँ पर रखे क्या, 20, देखो इधर, यहाँ पर रखे 40, यहाँ पर रखे 20, ये रखते हैं अगर, तो आएगा 1/40 प्लस 1/20, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, ऊपर कितना आएगा, 1, इधर कितना आ जाएगा, 2, जुड़कर कितना हो गया, 3/, लाना कितना था, हो गया LHS इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, 40 और 20, 40 और 20।
मैं चाहता तो इसको उस तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या है वो बहुत लंबा पड़ेगा, मेंस में काम आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, ये तो बन गया ना, पेपर में ऐसे ही बनाना है, एग्जाम हॉल में आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, बनाना आपको ऐसे ही है। 60 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इनके, पहला भाग तो याद ना, पहला भाग माना, पहला भाग क्या है, पहला भाग एक्स, पहला भाग जब एक्स होगा तो दूसरा भाग क्या होगा, 60 माइनस एक्स, अरे होगा ना, पहला भाग एक्स होगा तो दूसरा भाग क्या होगा, 60 माइनस एक्स। अब देखो क्या बोल रहा है, इनके व्युत्क्रम का, इसका उल्टा और इसका उल्टा, इसका उल्टा होगा 1/x और इसका उल्टा होगा 1/60 माइनस एक्स का योग बोलता है, का योग मतलब ये प्लस लग गया, के व्युत्क्रम का योग बराबर कितना, 3/, यहाँ से x का मान निकाल लेना, x का मान जो आएगा ये देखो यहाँ हो जाएगा, दूसरा मान 60 से माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा, करके देख लो आंसर आ जाएगा। जब भी इसका एलसीएम निकालोगे ऐसा जब भी मिलता है, इन दोनों को गुणा कर देना, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 60 माइनस, जब भी इसका एलसीएम निकलता है ऐसा निकलता है, ये होगा 60 माइनस एक्स, ठीक है, ये एक्स इससे कट जाएगा ये ऊपर चल देगा, 60 माइनस एक्स ये इससे कट जाएगा ये ऊपर चल देगा, क्या आ जाएगा, प्लस बराबर 3/40। इधर देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये इसके नीचे आएगा, इससे अच्छा इसको यहीं से काट दे 20 बार और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 80, क्या ला रहा हूँ देखो, इस पार आएगा 80, पार क्या आ जाएगा 80, इस पार अंदर घुस के गुणा होगा ये हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में लिया माइनस 60x, जो उस पार जाके माइनस होता ये आ जाएगा प्लस 80 बराबर 0, सबको एक तरफ ले आया ये बेटा, इस पार जाके क्या हो जाता 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80 बराबर 0, अंदर माइनस से गुणा कर दो तो ये देखो ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला फिर क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे तोड़ना है कि जितने घटाने पर 60 और गुणा करने पर क्या जाए 80, 40 × 20 या 40 और 20 40 × 20 कितना जाएगा 60 और 40 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना रह रहे 800 हो रहा है, एक मिनट रुक, इधर देख 800 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 800, सॉरी ये देखो 40 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 × 2 = 8 और 2 = 0 800 कितना जाएगा 800, यहाँ से दो मान आ जाएगा x का, x का मान आएगा 40 और x का मान क्या जाएगा 20, यहाँ से देखो x के दो मान आएंगे x बराबर 40 आएगा और x बराबर क्या आएगा 20, तो ये दो मान कौन आएगा 40 और 20, या तो ये तरीका है या तो इससे पहले वाला तरीका, कैसा आपको ठीक लगे, क्या बोलती चश्मा वही ठीक है, क्या कौन पाले, लेकिन मेंस में यही काम आएगा, खुदा ना खास्ता पीएससी जो मेंस देगा वो ऐसे बनाएगा। चलिए बनाइए, चौबीस को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने का योग, ठीक, चलिए पहला भाग एक्स दूसरा भाग 24 − x, हमेशा याद रखिएगा पहला भाग एक्स दूसरा भाग 24 − x, बना लो अब
हो गया, आ गया ठीक। किसे किसे नहीं आया बताना सीखे, ईमानदार बनिए बस, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस ये है ईमानदार बनिए और कुछ नहीं। चलिए 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। देखो किसको बांटना है, 24 को बांटना है अपने को, ये 24 को बांटे दो भागों में, एक भाग को अगर एक्स मानेगा दूसरा भाग कितना होगा, जो भी एक्स आएगा उसको 24 में घटाऊंगा तो दूसरा मिल जाएगा ठीक है। पहले भाग का 7 गुना, ये पहला भाग है इसका 7 गुना, तथा दूसरे भाग का 5 गुने का योग, दूसरे भाग का 5 गुना का योग, योग मतलब जोड़ का योग कितना है 140। एक्स का मान निकला है, कैसे निकलेगा, 7x प्लस अंदर मल्टीप्लाई 24 पंचे 120 माइनस 5x बराबर 146। ध्यान से इधर देखो, अब ये प्लस में है, इस पर जाके माइनस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों, ये घट के कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर, काटना नहीं है ये, माइनस होगा, क्या होगा ये माइनस होगा, 7x में 5x माइनस करेंगे तो 2x, और वैसे ये इस पर आके माइनस हो जाएगा, तो 146 माइनस 120 2x बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या 26, और ये x बराबर क्या आ गया 13। जब पहली संख्या क्या जाए पहली, तो दूसरा संख्या पूछा, दूसरा भाग, तो 24 माइनस 13 कितना आएगा 11। पहला संख्या पूछता तो कितना आता है आंसर 13, पहला संख्या 13, दूसरा संख्या 24 माइनस 13। मैं तो बताऊंगा तो हर क्वेश्चन सरल लगने लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको सरल लगना चाहिए। हो गया, बन गया, चलो कहाँ पहुंचे थे, टाइप नंबर 2। अब इधर देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। ये देखो जब ये क्वेश्चन ऐसा चालू हो, किसी संख्या का द पार्ट ऑफ अ नंबर, अ नंबर, अ नंबर इज एक्स, तो एक्स और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ माने का होता है, देखो ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब क्या होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई का 4/5। किसी संख्या मतलब एक्स, एक्स का 4/5 भाग क्या है 64 है, इस संख्या का आधा भाग, पहले ये संख्या निकाल लो एक्स का मान। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स बराबर 64, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/5,
सोलह, सोलह पंचे अस्सी, और इसका आधा कितना आएगा? सवाल था, किसी संख्या मतलब फोर फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, अ नंबर इज एक्स, इज 64, किसी संख्या का चार बटे पांच भाग, फोर फिफ्थ पार्ट क्या है? 64 है। तो उस संख्या का आधा क्या होगा? पहले वो एक्स निकाल लो, एक्स का आधा मतलब उसको दो से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल आएगा? एक्स का आधा। ठीक है, बन गया। क्या कब बनाऊंगा? पहले इसको बना लीजिए, एक एक ठो क्वेश्चन बनाते रहूंगा ना तो प्राण निकल जाएगा। मैं बताऊंगा पहले, अभी जो आज पढ़ा रहा हूँ उसको कल बताऊंगा, अभी भी बता सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको बना ले, क्वेश्चन नंबर 22, चल 24 बना, मैं 22 बनाता हूँ। एक टंकी का दो बटे पांच भाग में 16 लीटर पानी है, दो बटे पांच भाग में 16 लीटर पानी और डाल दिया जाए, और डाल दिया जाए मतलब प्लस, तो उस टंकी का छह बटे सात भाग भर जाता है। टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी? एक्स। माना टंकी में कितना लीटर आता है? एक्स लीटर आता है। ये दे 22, एक टंकी में देखो, किसी टंकी का दो बटे पांच भाग में 16 लीटर पानी और डाल दे, टू फिफ्थ पार्ट में, कितने फिफ्थ, कितने पार्ट में? टू फिफ्थ पार्ट में 16 लीटर पानी अपन और डाल दें, तो टंकी का 6/7 पार्ट भर जाता है। टंकी की कैपेसिटी क्या होगी? मान लीजिए कम टंकी की कैपेसिटी या टंकी में कितना लीटर पानी आता है? एक्स लीटर। अगर इस एक्स का देखो ध्यान से, कितना बोलता है? दो बटे पांच, मतलब दो बटे पांच एक्स, इसमें अपन 16 लीटर पानी और भर दें, तब हो जाता है बेटा 6x/7। टंकी का, टंकी का मतलब है एक्स, पूरे टंकी में कितना पानी है? एक्स। ये निकाल लो यहां से, इधर देखो, इनको इनको एक तरफ कर दो, उसको उस पर फेंक दो, तो एक्स बटे पांच ऐसा लिख सकता हूं इसको, ये इस पर आके क्या हो जाएगा? ये एक्स बाई सात बराबर, ये उस पर जाके हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 35। सात का ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 7 × 2 = 14 एक्स, माइनस 5, 5 का ऊपर मल्टी करूंगा, 5 × 3 = 30 एक्स बराबर माइनस 16, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा? माइनस 16, इधर ध्यान से, अरे गया, माइनस 16 बटे 35 बराबर माइनस 16, ये माइनस माइनस गया, 16 16 गया, ये एक्स है ना इसके साथ, एक्स बराबर ये उधर जाके हो जाएगा 35, एक्स का मान क्या आ गया? 35। किसका पूछा है? टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी? 35 लीटर, टंकी में कितना पानी आएगा? 35 लीटर। थोड़ा मेहनत करोगे तो बनेगा, नहीं करोगे नहीं बनेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, हर सवाल बनाते लगूं फिर हो गया। पीपीटी के सवाल मैं बनाऊंगा, इसमें जो क्वेश्चन है वो घर में अभी नहीं बनेगा, तो घर में बनाओगे ठीक है, घर में बनाने के बाद कल मेरे से पूछोगे, वही पूछेगा जो कल बनाया रहेगा, और पढ़ाने से पहले पूछोगे, मैं सीधा स्टेज में और आपका काम है पूछना, मैं अगर आगे पढ़ाना चालू कर दिया उसके बाद नहीं पूछोगे, या तो खत्म होने के बाद पूछोगे या खत्म होने या चालू करने से पहले, बीच में कोई नहीं पूछेगा, स्टार्ट करने से पहले पूछो या तो पूरा पढ़ा लेने के बाद पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। हाँ, अब वही सवाल पूछेगा जो घर में बना के आएगा। अभी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20, चलिए बनाइए।
किसी संख्या के एक चौथाई के दो बटे पांच भाग का एक बाईस है, जैसा बोल रहा है वैसा कर दे। किसी संख्या मतलब क्या लिखना है यहाँ, एक्स के एक चौथाई 1/4 के का 2/5 भाग का एक तिहाई 1/3 बराबर 22, ये ले ले एक्स का मान निकाल दो आ गया। आठ दुनी 10 30 और जाके उधर गुणा हो जाएगा। तीन दुनी 6 तीन दुनी 6 और एक 0 6 6 0। क्वेश्चन नंबर 27 बनाए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपके पास है, कोई भी लिख का क्वेश्चन नहीं लिखेगा अपने कॉपी में, क्वेश्चन तो हाथ में रखे हो। यदि किसी संख्या के दो तिहाई में 50 घटा दिया जाए, किसी संख्या मतलब बस जो बोला करते चलो। यदि किसी संख्या के दो तिहाई में से 50 घटाने पर x इंटू 2/3 माइनस 50। मूल संख्या क्या है बेटा, x का एक चौथाई मतलब 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त होता है प्लस 40, दोनों बराबर है बोल रहे हैं। क्या क्या बराबर, इधर देखो किसी संख्या के दो तिहाई में, ये संख्या का दो तिहाई में 50 घटाने पर, 50 माइनस करने पर, मूल संख्या का ओरिजिनल संख्या का एक चौथाई, मूल संख्या क्या है x, इसका एक चौथाई 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त होता है, ये दोनों आपस में बराबर है ठीक है। बुक इधर देखिए, इसको एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2x/3 माइनस 50, वैसे इसको एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा x/4 प्लस 40। ये देखो ये माइनस 50 इस पर जाके हो जाएगा प्लस 2x/3 माइनस x/4 बराबर, ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 90। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा इसका 12, ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आया, इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8x माइनस 2
एक्स बराबर 90, 6x बटे 12 बराबर कहाँ पर आएगा 3, अच्छा सॉरी 3x, क्या जाएगा 5x। ओके ओके आठ एक्स में 3x जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, 5x बराबर 12 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का और इधर आ जाएगा 5 एक्स बराबर। तो अठारह बारह 216 आंसर कितना आया, 216। जैसा बोल रहा है आपको बस वैसे ही करते चलना है, बस जैसा क्वेश्चन का डिमांड है आप वैसा बनाते चलिए। क्वेश्चन बन गया वाला 216 बना। हाँ चलिए, एक संख्या का 5/7 का 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा। एक संख्या मतलब एक्स, एक्स का मतलब गुना, 5/7 का मतलब फिर गुना, 2/3 का मतलब फिर गुना, 3/4 यदि क्या हो बराबर 15, तो उस संख्या का आधा जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग दे देना। बनाइए क्वेश्चन नंबर 30। जैसा जैसा बोला है वैसा करके बराबर लिख दीजिए 15 का मतलब मल्टीप्लाई, यहां से एक्स का मान आ जाएगा और जैसे एक्स का मान आएगा आप उसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। इसी संख्या का एक्स का कितना बेटा 5/7 का माने फिर गुना, 2/3 का माने फिर गुना, 3/4 कितना हो, जो कट रहा यही काट देना, ये कट गया इसके साथ, 2 एकम 2 दूनी जो कट रहा फटाफट काट देना, अब नहीं कट रहा है, 5 एकम 5 तिया नीचे कितना है 7 दूनी 14 14 तिया 42 एक्स बराबर 42, इसका आधा कितना होगा सर, ठीक है जिसको नहीं लगता है वो एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए का मतलब इधर देखो इस पार है 15, नीचे वाले को सब ऊपर फेंक दो, 7 3 4 और ऊपर x बराबर और ऊपर वाले को सब नीचे ला दीजिए, 5 2 3 ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 5 से 3 और ये कट जाएगा, x बराबर 7 दूनी 14 14 तिया 42 और इसका आधा बोला है 42 का आधा 21, ऐसे भी बना सकते, ठीक है आपको जैसा सूटेबल लगे। क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी संख्या में 33 घटा दिया जाए, किसी संख्या मतलब एक्स में क्या घटाना है 33 घटा दिया जाता है तो उस संख्या का मान संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है, वो संख्या क्या होगा, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आपको कर देना है। माना वो संख्या x है, x माइनस 33 बराबर x गुणा 5/8। यदि किसी संख्या में, किसी संख्या मतलब x में 33 घटाया जाता है, क्या माइनस किया जाता है 33। इफ 33 सब्सक्राइब फ्रॉम द नंबर सब्सट्रैक्ट, सॉरी क्या माइनस किया जाता है 33, तब उसका मान उस संख्या के 5/8 के बराबर हो जाता है, तो द वैल्यू ऑफ बिकम इक्वल टू द 5/8 ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर मतलब एक्स,
एक्स के किसके 5/8 के बराबर हो जाता है। संख्या क्या होगी, यहां से एक्स का मान निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 30 बराबर 5x/8। ठीक है, ये 33, देखो एक्स एक्स वाला एक तरफ होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मतलब एक, ये एक्स बाई 1 माइनस 5x/8 बराबर इस पर जाके 33 प्लस हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 8 आएगा। यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान कितना आएगा, वह संख्या क्या होगी, बाकी बनाओ। इसका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 और 38 बनाओ, 36 और 38 बन जाएगा उसका छुट्टी, 36 और 38 बन जाने पर छुट्टी।